दोस्तों क्रिकटॉक हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल 2024 खत्म होते ही शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2024। एक एक करके सभी देश अपना स्क्वाड अनाउंस कर रही है। फाइनली बीसीसीआई ने टीम इंडिया का 15 सदस्यों का स्क्वाड भी घोषित कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में जायसवाल, सैमसन, पंत जैसे प्लेयर्स को मौका मिला है। वही सैड न्यूज, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स को स्क्वाड में जगह नहीं मिला है। तो लास्ट एक साल में रिंकू सिंह से जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, सभी सोचे थे उनको T20 वर्ल्ड कप में जरूर रखा जाएगा, लेकिन बैड लक की ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों रिंकू सिंह का सिलेक्शन ना होना एक बैड न्यूज तो है ही, साथ ही साथ केकेआर टीम से जुड़ी हुई दो और बैड न्यूज है जो आपको बता देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों सबसे पहले तो आपको T20 स्क्वाड दिखा देते हैं। जैसे की आप देख पा रहे होंगे 15 मेन प्लेयर्स के बाद भी 4 एक्स्ट्रा प्लेयर है, जहां रिंकू सिंह का नाम दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों रिंकू सिंह को तो मेन स्क्वाड में मौका नहीं मिला है, लेकिन रिंकू सिंह, शुभमनील, खलील, अहमद और अविष्का ये 4 प्लेयर्स टीम के साथ ट्रेवल करेंगे और बैकअप प्लेयर के तौर पे रहेंगे। यानी कि दोस्तों अगर मेन स्क्वाड में से कोई चोटिल हो जाता है या नहीं खेल पाता है तो तब इन 4 में से जरूरत के हिसाब से मौका दिया जाएगा। दोस्तों रिंकू सिंह को मेन स्क्वाड में मौका मिलना चाहिए था। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया टीम के लिए, जितने भी मैचेस में मौका मिला है। आईपीएल 2024 में उनको सही से बैटिंग करने का जगह ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस साल उनको उतना अच्छा फॉर्म में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि उनका फॉर्म ही खराब चल रहा है, और मुझे नहीं लगता बीसीसीआई इस साल का फॉर्म को देखते हुए उनको बाहर रखे है। अगर ऐसा होता तो हार्दिक को मौका नहीं मिलता और ना ही रिंकू को बैकअप प्लेयर की लिस्ट में देखने को मिलता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह को नहीं लेना सही डिसीजन है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों नेक्स्ट बैड न्यूज है, फील सॉल्ट आईपीएल 2024 की प्लेऑफ मैचेस नहीं खेलेंगे। सिर्फ सॉल्ट नहीं दोस्तों, बल्कि ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बता चुकी है जो प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है वो आईपीएल 2024 प्लेऑफ मैचेस नहीं खेलेंगे। तो इसके पीछे मेन कारण हो सकता है इसीबी नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप से पहले प्लेयर्स को चोट लगे। तो दोस्तों केकेआर को फील्ड सॉल्ट को प्लेऑफ मैचेस से पहले छोड़ना पड़ेगा और ये केकेआर टीम के लिए काफी बड़ा एक बैड न्यूज होने वाला है। और आखिरी बैड न्यूज है दोस्तों, हर्षित राणा को एक मैच के लिए बैन किया गया है, यानी कि मुंबई टीम के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। इससे पहले भी फर्स्ट मैच में हैदराबाद टीम के खिलाफ मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद सेंड ऑफ सेलिब्रेशन के कारण उनका 50% मैच फी काटा गया था, और इस बार दिल्ली टीम के खिलाफ सेम सेलिब्रेशन के कारण उनका 100% मैच फीस काटा गया है और एक मैच के लिए बैन भी किया गया है। तो दोस्तों केकेआर को अब नेक्स्ट मैच उनके बिना ही खेलना पड़ेगा, शायद से चेतन सकारिया को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ बैड न्यूज ही था, क्या करें, अपडेट जो है बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में प्लेइंग 11 को लेकर बात करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।